पूर्ण रूप विराट का मानव न जानेगा कभी। पूर्ण रूप विराट का मानव न जानेगा कभी। सारी मानव जात में ही है यह क्षमता नहीं। पूर्ण रूप विराट का मानव न जानेगा कभी। There is an old story of blind man trying to understand elephant. पुरानी है लेकिन मौके की। चंद अंधे घूमने फिरने चले बाजार में, और हरे की ये समझता था कि हूँ सरदार में। घूमते जाते थे वो सड़कों पे मस्तों की तरह, खुद को भी न जानते थे खुद परस्तों की तरह। सामने से गुल हुआ हट जाइए हट जाइए, इस तरफ आता है हाथी इस तरफ मत आइए। तो सुन के अंधे रुक गए, बोले हमें दिखलाइए, हम भी देखेंगे जरा हाथी यहाँ पर लाइए। तो सुन के अंधों की सदा लोगों ने हाथी रोक कर, ले गए अंधों को बोले देख लो ऐ दीदवर। फिर तो चारों ओर से हाथी उन्होंने घेर कर, खूब जी भर कर टटोला पुष्टो पांव सर कमर। भर गया दिल तब कहा अच्छा इसे ले जाइए, काबिले तारीफ है क्या ये जरा फरमाइए। गिर गया कितना मजा के उसन अब इंसान का, इतने घटिया जानवर का नाम हाथी रख दिया। एक बोला हाथी कैसा पुष्ट ये दीवार है, इसके बारे में ज्यादा बहस ही बेकार है। दूसरा बोला के गलत बिल्कुल गलत तुमने कहा, ऐसा है हाथी जिस तरह पेड़ का कोई तना। तीसरा बोला के गलत दोनों की ही बकवास है, वो खजूरों का सटहना हमको ये एहसास है। सर से लेकर सूंड तक हाथ था जिसका फिरा, बोला हाथी था के पर नाला किसी दीवार का। मुक्त सर ये एक ने फिर एक को झूठा कहा, बात आगे बढ़ गई बेबात का झगड़ा हुआ। गुत्थम गुत्था हो गए वो जिस्म के कपड़े फटे, उनकी इस हरकत पे सारे लोग बस्ती के हंसे। जितना उसको जिसने समझा उतना उसको कह दिया, याने उसके जिस्म के हर अंग को हाथी कहा। ऐसे ही तो अहल दुनिया में है बुद्धि की कमी, कैसे देखें ताकते दीदार तो पाई नहीं। पूर्ण रूप विराट का मानव न जानेगा कभी। पूर्ण रूप विराट का मानव न जानेगा कभी।